हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ बहुत ही बढ़िया है और आज की टेक न्यूज़ सुनने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आज का जो टेक फैक्ट है, टेक ऑफ द डे है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहली खबर के साथ। पहली खबर आज आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का A52 5G वर्जन जो है इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट, जो कि इंडिया की सर्टिफिकेशन वेबसाइट है जहां पे कोई भी फ़ोन लॉन्च होने से पहले सर्टिफाई होना ज़रूरी है, वहां पे ये फ़ोन देखा गया है। तो A52 के बारे में सभी लोग जानते हैं कि 120 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4500 mAh की बैटरी है और ओवरऑल फ़ोन सही है उन लोगों के लिए जिनको फ़ोन बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा फ़ोन है जो कि कंसिडर कर सकते हैं आप। लेकिन अगेन, इसका 5G वर्जन आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि 5G वर्जन के लिए आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आप अभी ले सकते हैं, क्योंकि 4G वर्जन ही जो है सही रहेगा और इंडिया में 5G अभी ऑलरेडी डिलेड है। तो आई डोंट थिंक यू नीड टू वेट फॉर 5G वर्जन, बाकी आप जैसा ठीक समझें। अब बात करते हैं अगली खबर और ये है Realme की तरफ से। Realme का X7 Pro एडिशन जो है आने वाला है, इसको एक्सट्रीम एडिशन बोल रहे हैं। अब एक्सट्रीम एडिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, 90 हर्ट्ज का, 6.5 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, MediaTek Dimensity 1000 चिपसेट मिलेगा और यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का रियर और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, 4500 mAh की बैटरी और 65 वाट की चार्जिंग भी है। तो एक तरह से Realme एक और नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है X7 Pro एक्सट्रीम एडिशन के नाम से, जो कि अगर आप देखें तो शायद इंडिया आ जाए। अभी फ़िलहाल ये चाइना में आ चुका है या फिर यूरोप वगैरह में अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसकी प्राइस यूरोप में और या फिर US में तकरीबन 26,000 से शुरू होती है, 8GB 128GB वेरिएंट की। तो ऐसे में यहाँ आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन कुछ नहीं पता रियलमी का। दे कैन ऑलवेज लॉन्च न्यू फोन्स, रोज़ उनके पास नए फ़ोन होते हैं लॉन्च करने के लिए, तो हो सकता है इसे भी लॉन्च कर दे। अगली खबर है दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि iPhone SE यूज़र्स हैं या फिर iPhone SE में यकीन रखते हैं, क्योंकि वो एक लाइट वेट फ़ोन होता है। iPhone SE सस्ता भी मिल जाता है, डिस्काउंट ऑफर्स काफ़ी मिल जाते हैं। तो iPhone SE 2021 का अगर आप वेट कर रहे थे तो कोई भी नया रिफ्रेश नहीं आने वाला है। iPhone SE 2021 में स्क्रीन का साइज़ उतना ही रहने वाला है। हालांकि ऐसे रूमर्स देखे गए हैं अभी तक जिसमें कहा जा रहा है कि 6.1 इंच का पंच होल कैमरा वाला iPhone SE आ सकता है, लेकिन वो अभी ऐसा कहा जा रहा है लीक्स के हिसाब से कि वो डिले हो गया है और वो 2023 तक ही आएगा, यानी कि इस साल तो नहीं आएगा, अगले साल भी भूल जाओ, और 2023 तक आपको iPhone SE, हालांकि कुछ नए इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएंगे iPhone SE 2021 में, लेकिन ओवरऑल स्क्रीन का जो डिस्प्ले साइज़ है वो सेम रहेगा, फॉर्म फैक्टर भी कुछ कुछ वैसा ही रहेगा। हो सकता है कि ऊपर और नीचे के बेजल थोड़े थोड़े कम हो जाए। आई होप कि यहाँ पे Apple उस पर काम करने के लिए तैयार हो जाए और ये 5G वर्जन होगा SE 2021 का, तो वो एक नया अपग्रेड होगा आपके लिए। और बाकी प्राइस तो उसकी वैसी ही रहने वाली है। अब बात करते हैं एक ऐसे फ़ोन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग में भी रहा, सब कुछ हुआ उसका। ये वही डिज़ाइनर के थ्रू फ़ोन आने वाला था जिन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही अलग तरह का वेरिएंट बनाया था ओप्पो के फ़ोन का। तो यहाँ पे ये फ़ोन था OnePlus Nord SE, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया। Nord SE कुछ कुछ वैसा ही बना था, उसका बॉक्स भी यहाँ पे दिख रहा है, कुछ इमेजेस भी दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं OnePlus Nord SE आने वाला था Nord के बाद, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि शायद OnePlus तैयारी कर रहा है OnePlus Nord 2 के लिए। तो उन्होंने कभी Nord SE लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ फ़ोटोज़ सामने आई हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन को इंस्पायर करती हैं जो उस डिज़ाइन जो आया था ओप्पो के फ़ोन पे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये डिज़ाइन अगर आता तो अच्छा रहता है, लेकिन ये शायद बिकता नहीं, इतना ज़्यादा महंगा रहता है, डिज़ाइनर ने बनाया है तो पैसा लगेगा एक्स्ट्रा। तो ऐसे में शायद इसी वजह से OnePlus ने इसे कैंसिल कर दिया। अब बात करते हैं अगली खबर। दोस्तों, पोको इंडिया बोल रहा है आपसे कि अगर आपके पास पोको F1 है तो आप उसको एक्सचेंज में ले सकते हो पोको X3 Pro और आपके पैसे लगेंगे तकरीबन 11,000 ओनली। तो ऐसे में पोको X3 Pro का प्राइस तो हमें पता है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास पोको F1 है और आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड की प्राइस सिर्फ 11,000 रहेगी, ऐसा इन्होंने कहना है। और ये 6 अप्रैल के ऊपर ये जो है सेल जाने वाली है इसकी। तो ऐसे में अगर आप पोको F1 से पोको X3 Pro पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास अपग्रेड करने के हिसाब से। लेकिन शायद बहुत से लोग
पोको F1 को पोको F3 से अपग्रेड करना चाहेंगे। मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, ताकि F सीरीज़ का फ़ोन उन्हें मिले। और हमेशा की तरह F सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली बेटर देन X3 सीरीज़ या फिर X सीरीज़ ऑफ पोको फ़ोन्स। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपके पास ऑप्शन है, पोको इंडिया ने दे दिया है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं ट्विटर की, और ट्विटर की ये न्यूज़ आज है ट्विटर फ्लीट्स के बारे में। अगर आप ट्विटर फ्लीट्स अभी तक यूज़ किए हैं तो एक तरह से स्टोरी फीचर है ट्विटर के अंदर, जैसा इंस्टाग्राम में स्टोरी फीचर होता है वैसे ट्विटर में भी है। अब उसके अंदर उन्होंने नई चीज़ें डाल दी हैं, जैसे कि उसमें स्टिकर्स वगैरह आपको मिल रहे हैं, तो अब अपने ट्विटर फ्लीट्स के अंदर स्टिकर्स लगा सकते हैं, स्टिकर्स से उनको और एनहांस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम स्टोरी के फीचर धीरे धीरे ट्विटर फ्लीट्स में भी आ रही है, और मुझे लगता है स्टोरी फीचर इज़ वेरी पॉपुलर और वो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता रहेगा ऐसे ही, इंक्लूडिंग ट्विटर विच इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। बट आई थिंक ट्विटर को भी थोड़ा फ्लैशी बनना है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। दोस्तों LG का स्मार्टफोन बिजनेस बंद होने वाला है, ये तो हमें पता था। अब उसकी डेट भी आ गई है कि भाई बहुत जल्दी इस डेट पे ये जो है स्मार्टफोन बिजनेस बंद हो जाएगा। LG का जो स्मार्टफोन बिजनेस है 5 अप्रैल को ऐसा कहा जा रहा है कि एक अनाउंसमेंट आने वाली है जिसमें LG अनाउंस करेगा कि भाई अब हम स्मार्टफोन नहीं बनाएंगे, चाहे इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। तो दुख की बात है, लेकिन शायद LG अपनी रेस के अंदर जो नया नया इनोवेशन था उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गया और कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन को समझ नहीं पाए। इसी वजह से LG का जो है मामला गड़बड़ हो रहा है और उनकी दुकान ऑलमोस्ट बंद हो रही है स्मार्टफोन की। बाकी और चीज़ें वो अभी भी अच्छी बनाते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की, और वो लोग लेते भी हैं। अब बात करते हैं अगली खबर, और ये बहुत ही एक्साइटिंग खबर है Mi 11 Ultra के बारे में। आपने सुना होगा उसका एक वीडियो हमने किया है हमारे चैनल पर, गया आप जाके देख लेना, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। तो Mi 11 Ultra की प्राइस यहाँ पे टिप की गई है। यहाँ पे NDTV Gadget 360 ने कहा है कि ये फ़ोन 70,000 रुपये से स्टार्ट होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि ये फ़ोन पूरा पूरा बन के इंडिया आएगा, यानी कि इम्पोर्ट होगा चाइना से पूरा बना हुआ। मेड इन इंडिया तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल नया फ्लैगशिप फ़ोन है, नई टेक्नोलॉजी के साथ है, बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है, बड़े बड़े कैमराज हैं। तो क्या आप 70,000 रुपये से स्टार्ट होने वाला ये Xiaomi का Mi 11 Ultra, जिसको सुपर फ़ोन बोल रहे, लेना चाहोगे? अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है आपको तो इस फ़ोन का जो वीडियो हमने किया है वो ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। इस फ़ोन के बारे में सब कुछ हमने बताया है पूरी तरह से, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर आप सोच सकते हो कि वर्थ रहेगा या नहीं 70,000 या उससे ज़्यादा इस फ़ोन को खरीदने के लिए। दोस्तों टेक ऑफ द डे में आज अमेजिंग टेक फैक्ट है कि कैसे स्पैम मेल का नाम स्पैम पड़ा। तो स्पैम मेल का नाम स्पैम इस तरह से पड़ा कि एक तरह से मीट होता है ना, मीट, उसको एक कैंड कंटेनर में बेचा जाता था और वो इतना हॉरिबल होता था टेस्ट वगैरह में कि लोगों ने उसको स्पैम बोला कि ये बेकार है, बिल्कुल गंदा है, हॉरिबल है। तो ऐसे में उसी चीज़ पे नाम पड़ा स्पैम ईमेल, यानी कि जो स्पैम ईमेल आपको आते हैं आपके ईमेल आईडी पे डेली बेसिस पे, क्या आपको पता है कि 12 मिलियन से भी ज़्यादा स्पैम ईमेल डेली भेजे जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक को ही रिप्लाई मिलता है, और इस तरह से स्पैम ईमेल का नाम स्पैम पड़ा एक मीट कंटेनर की वजह से, और जो बहुत ही गंदा टेस्ट करता था। तो क्या आपको पता था इस टेक फैक्ट के बारे में? अगर नहीं पता था तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों अमेजिंग टेक कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे है, इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए और हम आपको फीचर भी करते रहेंगे। और साथ ही साथ GTU टेक हंट में आपने अगर कुछ देखा है आज तो उसको जरूर कमेंट करिए स्टैम्प के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ, और साथ ही साथ अपना सोशल मीडिया आईडी जरूर मेंशन करिए। इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स में आज है 2 आर्टिकल जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है कि कैसे आप अपना आईपी एड्रेस छुपा सकते हैं। कभी भी कोई वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस लॉग हो जाता है, तो अगर आप चाहें तो अनॉनमस होकर भी एक वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उनको पता नहीं चलेगा कि कौन आया, कहाँ से आया था, और वो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, हमने बताया है आर्टिकल में, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी टिप भी सुन के जाइए कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड टीवी पे पासवर्ड लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका टीवी जो है आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सारे बच्चे घर पे हैं, तो आपके बच्चे जो है टीवी देखते होंगे और वो बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो आप क्या करें? तो ऐसे में टीवी के ऊपर भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। 2 तरीके हैं ईजी तरीके से टीवी के ऊपर पासवर्ड लगाने का, और वो हमने बताए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप जाके आर्टिकल दोनों पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा टेक की खबरें, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।